नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दुनिया के खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार शाहिद आफरीदी को क्रिकेट जगत में बूम बूम के नाम से जाना जाता है। आफरीदी के इस नाम की वजह उनकी धुआंधार बल्लेबाजी है। अपने समय में आफरीदी ने अपने तेज तर्रार खेल की वजह से खूब नाम कमाया। एक वो दौर था जब कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर संभल कर खेलना पसंद करता था। आफरीदी उस दौर में भी चौकों छक्कों से बात करते थे। क्रिकेट की दुनिया में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड भी सबसे पहले आफरीदी के नाम था। आफरीदी का ये रिकॉर्ड 17 साल बाद कोरी एंडरसन ने तोड़ा। हालांकि अब ये रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स के नाम है, जिन्होंने 31 गेंदों पर वनडे में शतक लगाया था। आफरीदी के खेलने के स्टाइल की वजह से ही उनको बूम बूम नाम दिया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि आफरीदी को ये नाम किसने दिया? दरअसल ट्विटर पर एक फैन ने आफरीदी से ये सवाल पूछा था। आफरीदी ने भी उस सवाल का जवाब दिया। आफरीदी ने बताया कि उन्हें बूम बूम नाम भारत के खिलाड़ी रवि शास्त्री ने दिया था। फिलहाल रवि शास्त्री भारत के कोच हैं। तो वहीं जब आफरीदी से पूछा गया कि उनकी सबसे पसंदीदा पारी कौन सी है, तो आफरीदी ने बिना समय लगाए लिखा, भारत के खिलाफ चेन्नई में खेली गई 141 रन की पारी। आपको बता दें कि इस टेस्ट में सचिन तेंदुलकर ने चोटिल होने के बावजूद शतक लगाया था, लेकिन उनके आउट हो जाने के बाद भारत उस मैच को 12 रनों से हार गया था। आपको बता दें कि आफरीदी 2017 में क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। आफरीदी ने अपने क्रिकेट करियर में 398 वनडे, 99 T20 और 27 टेस्ट मैच खेले हैं। वनडे मैचों में आफरीदी के नाम 6 शतक और 39 अर्धशतक के साथ 8064 रन हैं। तो वहीं टेस्ट में भी इस खिलाड़ी के नाम 5 शतक और 8 अर्धशतक हैं। बल्ले के अलावा वो गेंदबाजी से भी विरोधी को खूब परेशान करते थे। आफरीदी ने वनडे में 395, T20 में 98 विकेट और टेस्ट में 48 विकेट लिए हैं।